what is wave function, what is energy operator, what is momentum operator. If you are getting the question in the form of wave function, energy operator or momentum operator, then maybe these questions maybe would be in the short type. Okay, but if you are just getting in the form, just derive time dependent equation and time independent Schrodinger equation, then it would be as long type, means of like 10 marks. This question is the basic equations of the quantum mechanics, so you have to remember it. And I think with my clue, with my key points, it is too easy to remember. ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें कि आपको यहाँ एस्टिस्टी कहाँ ज़रूरत है, जैसे पिछले दो जो आपके वीडियो रहे मैंने आपको हर जगह बताया कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो इस वीडियो में यदि देखें तो नया एस्टिस्क जो हमारा होता है, दैट इज़ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन एक्स. अगेन दिस इज़ द पॉइंट, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो only on the basis of these four points you can just by heart this whole derivation in a very simple manner. Okay, तो ध्यान रखें इससे, आप इसकी लेंथ से ना डरें, आप सिर्फ मेरे जो एस्ट्रिस्क वाले की नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखें और इसके बेस पे खुद इसको डेराइव करने की कोशिश करें. बाकी जहाँ भी दिक्कत आए आप उसको देख सकते हैं, बट पूरा डेरिवेशन रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सिर्फ की नोट्स को ध्यान रखें. ओके, तो यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, और ये मैं अपनी तरफ से बार बार कह रही हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी किसी साल टाइम डिपेंडेंट तो किसी साल टाइम इंडिपेंडेंट, किसी साल मोमेंटम ऑपरेटर तो किसी साल एनर्जी ऑपरेटर, मतलब किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछा जाता है. इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ना छोड़ें, ज़रूर कर लें. तो और यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और इसके साथ ही अब आपका क्वांटम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट 5. मैंने कहा था मैंने पूरी यूनिट को 5 क्वेश्चंस में कंपाइल किया है, इसमें से आपका एक शॉर्ट टाइप भी नहीं छूटा है, मतलब कोर्स का एक पॉइंट भी नहीं छूटा है, परंतु उसको फॉर्मेट इस तरह से दिया है कि आपको ऐसा लगे कि हमने सिर्फ इस यूनिट के 5 क्वेश्चंस किए हैं. तो आपके 4 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है. इसके साथ ही आपकी यूनिट नंबर 1 क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी. तो आप उसको बहुत अच्छे से देख लें, और अगर आपको नोट्स के लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप मेरी वेबसाइट पर जाकर फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.